नमस्कार, समय हो चला है देश विदेश की पांच बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने टीकों की किल्लत को खत्म करने के लिए क्या बड़ा कदम उठाया है। साथ ही लालू यादव के करीबी सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया। इसके अलावा सबसे बड़ी और अहम खबर है कि बच्चों में कोरोना के बाद पनप रहे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पर डॉक्टरों का क्या कहना है। जानेंगे कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर कैसे घिर गया चीन, और अंत में अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ पर चीन की वुहान लैब को पैसे देने का शक जताया गया है। आखिर वुहान लैब को इस अमेरिकी ने पैसे क्यों दिए, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए खबर की शुरुआत वैक्सीन की किल्लत को खत्म करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदम से करते हैं। भारत सरकार ने सभी देशवासियों को टीका उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए केंद्र सरकार वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है। केंद्र सरकार ने हैदराबाद की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोलॉजिकल ई से गठजोड़ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह इसकी घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकों की खुराक अगस्त से स्टोर की जाएगी। इसके लिए मंत्रालय 1500 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट करेगा। बता दें कि बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा किए गए फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल के बेहद अच्छे नतीजे आए हैं। ये एक RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में ये वैक्सीन लोगों को लगने लगेगी। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि बायोलॉजिकल ई के साथ की गई ये डील स्वदेशी वैक्सीन निर्माताओं को प्रोत्साहित करने का हिस्सा है। RJD सांसद अमरेंद्र धारी सिंह यानी AD सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सांसद AD सिंह को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने गिरफ्तार कर लिया है। ED मुख्यालय के वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक फर्टिलाइजर घोटाला मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद सांसद AD सिंह की मेडिकल जांच करवाई गई, उसके बाद दिल्ली स्थित ED दफ्तर में रखकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ समय पहले ही CBI ने भी अमरेंद्र धारी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसी मामले को आधार बनाकर ED ने ये केस अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। CBI ने IFFCO के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। FIR दर्ज करने के बाद 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। FIR में दुबई की कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। उसमें अमरेंद्र धारी सिंह का भी नाम शामिल था। उस समय AD सिंह दुबई स्थित मैसर्स ज्योति ट्रेडिंग कारपोरेशन खाद कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे। बता दें कि अमरेंद्र धारी सिंह लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। वे बड़े कारोबारी हैं। इनको RJD ने राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा है। बच्चों में कोरोना के बाद मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पनप रहा है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले बच्चों में 2 से 6 सप्ताह में ये सिंड्रोम दिखाई दे रहा है। इसमें बच्चों को बुखार आना, शरीर पर लाल चकत्ते बनना, सांस फूलना यानी जकड़न आदि लक्षण नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार उल्टी, डायरिया, थकान के भी लक्षण हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे आपातकालीन स्थिति बताया है। मंत्रालय ने कहा कि समय रहते यदि उपचार शुरू हो जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। मंत्रालय उपचार को लेकर दिशा निर्देश तैयार कर रहा है, जल्द इसे जारी किया जाएगा। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार ये लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। इसमें RT-PCR टेस्ट निगेटिव आता है। कोरोना में जहाँ संक्रमण फेफड़ों में होता है, MIS में ऐसा लगता है कि बीमारी शरीर के एक सिस्टम में नहीं बल्कि सब जगह है, इसलिए इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इस तरह के लक्षण चिंताजनक है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चौतरफा घिरे चीन की हेकड़ी निकल गई है। इन दिनों चीन अन्य देशों के प्रति नरम रुख अख्तियार करता नजर आ रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सरकारी मीडिया और राजनयिकों के साथ बैठक की। उन्होंने मीडिया और राजनयिकों से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए अन्य देशों की आलोचना कम करें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि COVID-19 के कारण बीजिंग के अलग थलग पड़ने को देखते हुए चीन ने हर मोर्चे पर सावधानियां बरत
पत्नी शुरू कर दी। शी जिनपिंग ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन यानी सीपीसी के पोलित ब्यूरो के समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों को भेजे गए संदेशों में नरमी और विनम्रता होनी चाहिए। भाषण पर सरकारी अखबार चाइना डेली ने लिखा कि शी ने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसमें खुलापन हो, इसके अलावा अपनी बात को विश्वास और नरमी के साथ कहा जाए। शी ने इस बात पर जोर दिया कि आवश्यक है कि दोस्त बनाए जाएं, एकजुट होकर बहुमत का दिल जीता जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों को लगातार बढ़ाया जाए। इस बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का बयान चीन के शांतिपूर्ण विकास के मुताबिक था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन दूसरे देशों के साथ ज्यादा तवज्जो देगा। कोरोना की उत्पत्ति का स्थल माने जा रहे वुहान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ और जाने माने उद्योगपति बिल गेट्स को लेकर है। अमेरिकी समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ और राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फौसी के ईमेल लगे हैं। इसके बाद से फौसी पर वुहान लैब को पैसे देने का शक जताया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ लगे ईमेल बड़े सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ 866 पन्नों का ईमेल चैट लगा है जिसमें पता चलता है कि डॉक्टर एंथनी लगातार चीनी वैज्ञानिकों के संपर्क में थे। उन्होंने बिल गेट्स से भी वैक्सीन को लेकर बात की थी। डॉक्टर एंथनी पर पिछले महीने आरोप लगा था कि उन्होंने चीन के वुहान लैब को पैसे दिए थे। अब ईमेल लीक होने के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या डॉक्टर एंथनी फौसी भी इस साजिश में शामिल थे? क्या उन्हें कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ पता था? क्या उन्होंने कोरोना वायरस को बनाने के लिए चीनी प्रयोगशाला को पैसे दिए थे? रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर एंथनी और डॉक्टर जॉर्ज गाउ के बीच वायरस के दुनिया में फैलने के समय बात हुई है। बता दें कि जॉर्ज गाउ चीन चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट ने कई ईमेल को भी सार्वजनिक किया है। इस चैट में डॉक्टर फौसी बेहद दोस्ताना अंदाज में डॉक्टर जॉर्ज से बात कर रहे हैं। बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में चीनी विशेषज्ञ ने कहा था कि अमेरिकी सरकार लोगों को मास्क लगाने के लिए नहीं कह रही है, ये अमेरिकी सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी। इसमें डॉक्टर जॉर्ज गाउ ने एंथनी का भी नाम लिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।